जीएसटी से संबंधित द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक कार्यशाला का आयोजन रविवार को दिल्ली जागपुर स्थित एक होटल में किया गया। इस मौके पर आईसीएआई के चेयरमैन सीए प्रदीप कुमार यादव, सेशन चेयरमैन सीए आरके गुप्ता, सीआईआरसी मेंबर प्रदीप कुमार मिश्रा, सुशील दुबे, मुकुल बसंत, धर्मवीर श्रीवास्तव सहित संस्थान से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने लेवी ऑफ जीएसटी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स एवं ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर पर विस्तार से जानकारियां दी। वहीं इस कार्यशाला में नॉन फाइलर नोटिसेस, डिमांड एंड रिकवरी, डिटेंशन एंड सीजर्स ऑफ गुड इन ट्रांजिट टॉपिक की बारीकियों पर भी विस्तार से चर्चा किया गया। आपको मैंने बोला था जीएसटी के बाद पहला जो सबसे बड़ा टास्क था वो माइग्रेशन ऑफ क्रेडिट, माइग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और एक टर्म हमने और बोला था जो नॉर्मली हम पहले नहीं यूज करते थे, वो था माइग्रेशन ऑफ लायबिलिटी। माइग्रेशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 30 जून 2017 को अक्रूड हो गई थी, मैटराइज्ड हो गई थी, वो लायबिलिटी आपको पूरी करनी है। जीएसटी लग जाने का मतलब ये नहीं है कि वो लायबिलिटी आपको पे नहीं करना है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि 30 जून 2017 को अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं थी, देन फ्रेश प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड, बट दे कैन रिकवर ओल्ड एरियर, दे कैन कंप्लीट ऑनगोइंग असेसमेंट प्रोसीडिंग, राइट, दे कैन डिस्पोज ऑफ योर अपील ऑल्सो, राइट। जहां जहां जीएसटी में एकेडमिक डिस्कशन होते हैं वहां पे ये कहते हैं कि जीएसटी सिस्टम की जो रीढ़ है, उसकी जो आत्मा है, वो सीमलेस क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। शुरुआत में हम लोग सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब यह मैं समझता था कि जब मैं जीएसटी के दायरे में आ जाऊंगा तो मुझे इस बात की बहस में नहीं पड़ना है कि मेरी एक्टिविटी सर्विस टैक्स में आती है, एक्साइज में आती है, वैट में आती है। हमें अपनी टर्नओवर के ऊपर जीएसटी का भुगतान करना है। प्रॉबली दिस वाज द रीजन व्हाई लॉ मेकर हैज यूज्ड द वर्ड सप्लाई। गवर्नमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स इंटेंशन वेरी क्लियरली, लेकिन दूसरा पक्ष था जो मैं हम अपने व्यापारी या व्यापार या बिजनेसमैन को समझाते थे कि चिंता मत करिए, एक तरफ आपको सब चीज के ऊपर टैक्स देना है, दूसरी तरफ आपको हर एक चीज के ऊपर क्रेडिट मिल जाना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट व्हेन यू विल रीड सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, तब आपको समझ में आएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में लेना उतना आसान नहीं है जितना भरोसा हमको दिया गया। अगेन दिस एरिया इज नॉट डिस्कशन ऑफ टुडे, रिस्पेक्ट योर राइट टू डू बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट, एंड टू डू योर बिजनेस नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट यू टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। द इंपॉर्टेंट एंड 100 मिलियन क्वेश्चन इज whether input tax credit is your right or concession. If input tax credit is your right under any constitution or any law notified under constitution, then officer cannot raise any objection. There is a condition under जीएसटी कि अगर आपने टैक्स इनवाइस के बेसिस पर क्रेडिट ले लिया है तो
तो उसका जो कंसिडरेशन है, उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, उसका 180 दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए। कोई नई बात नहीं है, हम लोग सब जानते हैं। दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया। एक दिन मैं अपने ऑफिस में ऐसे खाली बैठा था, मैंने अपने एक पार्टनर को अपने चैम्बर में बुलाया। मैं कहा, भाई कितने लोगों का रिटर्न फाइल करते हैं? बोला, सर इतने ऐसे जाते हैं, उतने जाते हैं। हमने भाई कितने ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड किया कि ये जो परचेज है इसके अगेंस्ट में हमने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है और उसका रिवर्सल कर दीजिए। आप विश्वास मानिए, एक सिंगल ट्रांजेक्शन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया जहां उसने कहा होगा कि 180 दिन हो गया हमारा क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 180 दिन गुजर गए, कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं हुआ, अप टू दैट एक्सटेंट व्हाटएवर क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। इफ इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, इट मींस दैट अप टू दैट एक्सटेंट अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस रेवेन्यू अकाउंट इंस्टेड ऑफ करंट एसेट अकाउंट। आर यू अग्री ऑर नॉट? So once you are certifying balance sheet as on 31st March 2018 and there is a figure of 10 lakh rupee which should be reversed as on 31st March 2018 and it is still pending in current asset account instead of revenue account. So it means that we are certifying, we are not certifying correct balance sheet or correct financial statement. Right? So at least there are few points, we must be very careful. ऐसा तो बहुत हो रहा है, ऐसा तो बहुत हो रहा है जिन्हें क्लाइंटों का हम चेक कर रहे हैं।